अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। मेरे जैसे लोग जो YouTube पे आ गए हैं ना, अल्लाह माफी दे आपा, जिन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए हैं, फिर उनको अपने चैनल भरने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है रोज। कहते अल्लाह माफी दे, ऐसी नहीं पढ़ना। इसीलिए शुक्र अल्लाह का मैंने चैनल नहीं बनाया। ऐसा कौन सा एहसान किया? रोज बोलना पड़ता है, और फिर जब आदमी ज्यादा बोलता है तो गलत भी बोलता है। अच्छा, अब जैसे ये वो क्या नाम है, मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अल्लाह उनको हिदायत दे। आज मैं भी आमीन कहनी है, सारे मिलके बोलो आमीन। क्योंकि वो बड़े मशहूर हो गए माशाल्लाह, बड़ा उनके व्यूज हो गए हैं बड़ा। हम अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये मुसीबत है कि वो भी किसी चैनल पे कह रहे थे कि जी मेरे समय तो उस मौलवी का नाम लेता हूँ जिसके लाख से ऊपर व्यूज हो। अब व्यूज पे आ गई है बात, दीन वाला काम निकल गया है, बात व्यूज की है। हाय 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 सर, उन इंजीनियरिंग हो चुकी है, क्या करना, रुक जाओ। हमने कुछ चंदा बुक नहीं बनाई, सबसे बड़ा मसला ही है। मेरे इस वक्त भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की कमाई ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब बन जाए अगर मैं वीडियो एड्स के ऊपर इसे मोनेटाइज करूं, और अगर मैं कंटेंट आईडी ले लूं तो जितने मेरे नाम के ऊपर चैनल बने हुए हैं उन सारों की कमाई मेरे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। यानी वो अपलोड स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, कमाई मुझे मिल रही होगी। तो आप जरा अंदाजा करें, मैं तो रोजाना कोई 100-150 मौलवी खरीद सकता हूं। ईमान निकल गया, आमाल निकल गए, जुहद तकवा निकल गया। अब व्यूअर्स कितने हैं मेरे? 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 4 मिलियन हो गए। मैं उसको कहता हूँ, अली साहब से कहना चाहता हूँ कि अली साहब वो जो गाने वाले ना, इंडिया के कई गाने आप सुना करो, उसके 300 मिलियन व्यूज होते हैं, 500 मिलियन व्यूज होते हैं, तो फिर तो आपसे बेहतर लोग तो फिर वो हैं। इसके बाद मैं उसमें से निकालता क्या हूं? यानी मैं ये कहता हूं कि चूंकि मेरे व्यूज ज्यादा हैं, लिहाजा हर व्यू के बदले मुझे इतने रुपए चंदा दिया जाए? नहीं, उल्टा हम हजारों लोग यहां से आके जा चुके हैं, उनको अपनी जेब से खिलाते हैं, तो हम इस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है। वो कहते हैं ना जी, 100 सुनार की 1 लोहार की, साड़ी अल्लाह के बदले 100 दी 100 लोहार दिया उन्हीं ने। हां भाई, कैसी लगी? मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जरा मैं तो 302 सीधी सी बात है। हाँ, मेरी लाइफ तो आपने कर दी वंदे पर, ठीक है, मैं तो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मंजी में ठोक देनी है, तुम्हारा को बाबा नहीं मैं छड़ना। हां, जिन्ना बोलोगे मैं उन्ना तो बेइज्जत करूंगा।